तो भाई बैल फंस गया कोसी रिवर के पार, अब किस तरह निकलेगा ये? दोस्तों मैं आया था जीरो पॉइंट पर और सामने दिखा एक मेल स्पॉटेड डियर, जैसे कि आप देख रहे हैं। दोस्तों देखो एक वाइल्ड बोर भी निकल के आया है, एक नहीं एक आध और है शायद। ये देखो एक और निकल गया। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो ये वाइल्ड बोर होते हैं ये टाइगर से फुल लफड़ा ले लेता है, क्योंकि जो इसके बड़े बड़े कैनाइन होते हैं इसके सपोर्ट से ये टाइगर से फुल लफड़े ले लेता है, और टाइगर भी इसे लफड़े लेने में थोड़ा हिचक जाता है। उसको पता है कि अगर मैं इंजर्ड हो गया तो शिकार करना मुश्किल हो जाएगा, अगर शिकार नहीं कर पाया है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए टाइगर भी थोड़ा इससे पंगे नहीं लेता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं रोहित कॉर्बेट से। तो भाई अभी सुबह के बजने 10:30 और ब्लॉक के साथ 10:30 बजे थे, और मैं हूँ अभी नीलू की दुकान पे। बारिश बहुत तेज़ है भाई, आवाज़ भी नहीं आ रही, देखो कितनी ज़ोरदार की हुई है। और भाई आज नहीं कल रात से बारिश हो रही है, कल रात 11:30 बजे से बारिश शुरू हो गई थी और अभी तक बारिश रुकी नहीं है, बहुत टाइम हो गया। अब तो 10:30 बज गए और बारिश देख सकते हैं आप किस तरीके की अभी है इस जगह पर। स्पॉटेड डियर थे अभी एक दो मिनट पहले इस जगह पे यहाँ पर, और अब वो अंदर चले गए हैं। ज़रा बारिश कम हुई है, और ये देखो नीलू की शॉप। भाई आप कभी आते हैं तो इस शॉप पे आ सकते हैं, आपको मैगी और ऑमलेट बन ऑमलेट वगैरह मिल जाएगा खाने को, ब्रेकफास्ट है ना, कभी आओगे विजिट करोगे तो। और बाकी अब थोड़ा बारिश भी कम हुई है, बूंदाबांदी हो रही है इस जगह पे। भाई स्पॉटेड डियर थे अभी तो चले गए शायद, क्या पता कहाँ गए, देखते हैं अगर निकल के आएंगे तो, नहीं तो दिखाएंगे आपको। दोस्तों व्यू देखो कितना तगड़ा लग रहा है, ये जो पहाड़ी है इस पे फॉग चलते हुए कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत, जैसे कि देख रहे हैं बादल चल रहे हैं इस पे। दोस्तों सुनाई में आया कि अल्मोड़े से कोसी रिवर छोड़ दी गई है, तो देखते हैं। मैं आया अभी कोसी रिवर पे, और कोसी रिवर भाई बहुत ज़्यादा आ रखी है, और साथ में दो तीन बंदे आए हैं पीछे। पहले तो आपको कोसी रिवर दिखा देते हैं, ठीक है, कितनी भयंकर कैसे आई है करके। तो दोस्तों जैसे मैंने सुना था कि कोसी रिवर आई है पहाड़ से, और तो मैं सीधे ही कोसी रिवर की साइड निकल के आया हूँ, और यह है छोटे बनोद नाले का बरसाती रिवर, जो कि ये भी बहुत ज़्यादा आया है। अभी चलते हैं, ये तो पार कर आगे उस जगह पर आइए कोसी रिवर, दिखाते हैं आपको। तो यह है छोटे बनोद नाले का पानी जिसे मैं अभी क्रॉस करता हूँ। तो ये देखो पनोद नाले का पानी जो है ये काफ़ी लाल है, और इसके साइड में ये कोसी रिवर का है जो हल्का ब्लैक में है ना, ये देखिए इससे उधर साइड है कोसी रिवर जो आई है। दोस्तों कोसी रिवर दिखाते हैं आपको, ये देखिए पानी कितना वैसे, जो ये पानी आप यहाँ देख रहे हैं अभी ये पहले था उस तरफ वहाँ कोसी रिवर पे जो पहाड़ी के इधर इस वाले एरिया में, और अब ये यहाँ आ चुका है। इसका लेवल देखिए बहुत ज़्यादा पानी आया है, पहाड़ का पानी शायद अल्मोड़ा से आया है। और आगे है गड़जा टेंपल इस जगह पे, इधर ये पानी वहीं जाके मिल रहा है, देखिए इधर से अलग और इस जगह से अलग, देखिए दो जगह से मुंह बना के पानी इस जगह पे मिल रहा है, और एक इससे आगे वो कोसी रिवर पे लास्ट जो पहाड़ी दिख रही है उस पे तीन मुंह बना रखे भाई पानी ने, और जो दो तीन साल पहले पानी आया था वो उस गांव में आगे गांव पे इस जगह पे आया था।
तो भाई बहुत नुकसान आया था उस बार भी। और जैसे देख रहे हैं आगे से लोग भी आ रहे हैं कोसी रिवर देखने, तो मैंने कहा मैं भी देखता हूँ और दिखाता हूँ अपने ऑडियंस को, है ना। देखिए काफ़ी पानी आया है, बहुत ज़्यादा। और भाई व्यू देखो, ऊपर फॉग चल रहा है, फॉग चल रहा है पहाड़ों पे, बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। तो भाई एक बार और देख लेते हैं नज़दीक से इस पानी को, फिर चलते हैं बड़े बनोद पे या छोटे बनोद पे। तो भाई इस जगह पे देखो कितना कटाव कर दिया पानी ने, और आगे एक बैल है जो कि इस जगह पे फंस चुका है, और कोसी रिवर ज़्यादा है इस कारण से ये पार नहीं आ पा सकता। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, देखो लेवल तो पानी का बहुत है, तो मैं चाहकर भी इसकी हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। तो अब क्या करें, पानी का लेवल भी जो बहुत ज़्यादा है और दो तरफ से मुँह बना है, तो उसका किस तरह से भी मैं हेल्प नहीं कर पा रहा हूँ। और ये मैंने इसमें जो वॉइस ओवर करी है भाई, क्योंकि जो पानी का लेवल है बहुत तेज़ है और पानी का आवाज़ बहुत तेज़ आ रही है इसलिए। तो भाई पहुंच गए छोटे बनोद पे, और देखिए इसमें कैसा आ रखा है नाला। और भाई आगे से यहाँ इस जगह से पानी निकलता है और ये सीधे रोड पे। और भाई आप कभी आते हैं जिम कॉर्बेट विज़िट करने या कहीं भी रानीखेत तक, तो भाई कभी भी आप बारिश हो रही हो तो उस टाइम पर ना आए। अभी तो ये कम आ रखा है फ़िलहाल, और जब ये आता है तो भाई बहुत तगड़ा आता है, जो देख रहे हो ना इलाका पूरा भरा हुआ पानी से और फोर्स। तो दोस्तों जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा कि बड़ा बनोद नल पे जो काम चला है उसके कुछ वर्कर्स हैं ये, जो कि इसको अभी क्रॉस कर रहे हैं जहाँ की बड़ा बनोद पे काम चल रहा है, जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा होगा। तो अभी ये किसी काम से ही आए होंगे इधर, तो जैसे कि अभी आप देख रहे हैं इसका लेवल कम है, तो आसानी से बाइक भी क्रॉस हो पा रही है। तो भाई ये वीडियो थी आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। तो कैसे लगी वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, और यारों में ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए।